मुरादाबाद के लेडी डॉन पर चला योगी का चाबुक, लेडी डॉन हसीना की अवैध संपत्ति पर चला है योगी सरकार का चाबुक। लेडी डॉन हसीना के खिलाफ कई थाने में अनेक मुकदमे हैं दर्ज। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की है। थाना मंझोला इलाके की जयंतीपुर के रहने वाली है लेडी डॉन। लेडी डॉन की लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति की गई है सीज। कार्रवाई की ये जयंतीपुर क्षेत्र में इस समय हम लोग मौजूद हैं। हसीना वाइफ ऑफ आजम उर्फ बाबू, जो क्षेत्र की एक बड़ी ड्रग माफिया है, बहुत लोगों का, बच्चों का जीवन, लोगों का जीवन बर्बाद करने में, ख़राब करने में इसकी अहम भूमिका है। उसको, जिसके विरुद्ध मुरादाबाद के विभिन्न थानों में अनेकों अभियोग पंजीकृत हैं, आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी जो संपत्तियों को कुर किया जा रहा है। अभी तक जो असेसमेंट हुआ है वो 1,85,00,000 की संपत्तियों का असेसमेंट हुआ है, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि हो सकता है इससे अधिक और भी संपत्तियां निकलें। तो ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है और ये अंकुश लगाने के लिए इस तरीके के लोगों पर जो नशे का कारोबार करते हैं या जो अवैध कारोबार करते हैं, अवैध काम करते हैं, ये ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का की एक पहल। सर, जैसे कि देखा जाए जयंतपुर क्षेत्र में लगातार नशे का कारोबार होता जा रहा है, इस पर आपकी क्या रहेगी, आप क्षेत्र अधिकारी हैं? वही नशे के इसी कारोबार और नशे की इसी लत को छुड़ाने के लिए और लोगों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, जो इसकी सबसे बड़ी माफिया है, जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसकी कमर तोड़ी जा रही है।